बेहतरीन बनाए पराठे तुमने। मेहरबानी भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू काशिफ मंजूर व्लॉग। मैंने अपना नाश्ता कर लिया, अम्मी के लिए नाश्ता मैं अब बनाऊंगा घर जाके। उनके लिए दूध यहाँ से ले रहा हूँ क्योंकि वो बाहर की चाय नहीं पी सकती, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, तो चीनी जो है वो मैं कम डालता हूँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट डालता ही नहीं हूँ। तो अम्मी का नाश्ता रेडी करते हैं और अम्मी को जो है उठाते हैं। अम्मी भी आज बोलेंगी कि यार इसने बहुत जल्दी मुझे उठा लिया है और नाश्ता तैयार कर लिया है, तो चलिए मेरे साथ। अम्मी मुँह हाथ धो लिया, सुकून में आ गई हैं भैया? मेरा नाश्ता हो गया था गाइस, मैंने तो कर लिया था। अब अम्मी जो है, अम्मी अपना नाश्ता करेंगे आराम से। ठीक है बेटा, चले आज नाश्ता शुरू करें, ठंडा हो रहा है, खा लेते हैं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाओ तुम भी खाओ। मैंने नाश्ता कर लिया था बाहर। कर लिया नाश्ता? आज सुबह कुछ और अल्लाह से मांग लिया जी। आज अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उनको पराठे मनाए, तो आज पराठे खाने को उनको मिल गए। एक दिन चीट का बनता है, कोई इशू नहीं है, उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है लेकिन फिर भी ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है। सब्ज़ी लेने आते हैं, सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश दिख रही थी तो मैंने सोचा यहाँ से भिंडी और कुछ पालक ले लूँ ताकि कुछ फ्रेश सी सब्ज़ी हम आज अपने घर पर बनाते हैं और आपको भी कोई रेसिपी दिखाएंगे। सामान ले लिया है, सब्ज़ियाँ हो गई है, मैं ऊपर जाऊँ और अम्मी को जाके बताऊँ कि आज हमने बनानी है भिंडी और पालक। क्या ड्रामा देख रहे हो? बना कुछ नहीं रहा, लेकर आया हूँ पालक। लगे रहते हो मेरे। पालक लेकर मम्मा, पालक लेकर आया हूँ। सोच रहा आज पालक बनाए, भिंडी बनाए, वो जो करारी भिंडी आप बनाती है बड़ा दिल चाह रहा है। सकून से ना बैठने, ये है भी कैसी फ्रेश फ्रेश आज आई हुई थी, मैंने नीचे देखी, मैंने कहा मैं ले लूं। चले औरत का काम ही है बस, किचन घर। ड्रामा देख रही थी मैं तो, अब ड्रामा देख लूं मैं? देख लें आप, पहले ड्रामा देख लें उसके बाद बना लेंगे। पहले ड्रामा देखूंगी और उसके बाद बनाऊंगी, सही है? ओहो, तकरीबन सारी खबर पहुंच तो गई होगी आप तक। लेकिन अम्मी हमेशा मुझे आपके छोटे कपड़े बनाती थी। फिर तो आ गया। हाँ चले ना अम्मी, ड्रामा देख लेते भाई मुझे पहले। और तुम? मुझे जाना है जॉब पे और मैं इसलिए बोल रहा था कि दोपहर का खाना अगर आप बना देती जल्दी तो फिर मैं चला जाता काम पे। ड्रामे के चक्कर में ना मुझे लगता है कि आज भूखा जाना पड़ेगा मुझे, या मैं खुद ही बना लूं। क्या देख रही अम्मी? देख रहे हो तो इतनी बड़ी बड़ी काशिफ भिंडी लेकर आए। तो क्या हुआ इसको? तो छोटी सी भिंडी होती है ना, जैसे ये साइज है ना ये वाला, जब देखा करो ना छोटी भिंडी लेकर आया करो, इस तरह छोटे छोटे साइज की। ये इतनी बड़ी बड़ी तो भिंडिया उठा के लाए, ये सही नहीं होती बेटे। पालक भी फ्रेश लाया है? पालक बिल्कुल फ्रेश थी। अच्छा ये फ्रेश है? ये क्या है? क्या हुआ इसको? ये क्या है? इसके अंदर सुराख है, हवा लग रही है, क्या है ये? ये ऐसी पालक है? अम्मी फ्रेश ही पालक है आजकल, जिस तरह पता ना आपको सब्जियां आ नहीं रही, ये भी मिल गई, बड़ी गनीमत है। सही बात है, इसमें से हवा आ रही है, वेरी गुड। काशिफ आज तुमने मुझे बहुत तंग किया, बहुत ज्यादा, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मुझे बस। अब ये देख लो मैं बना रही हूँ भिंडी, मैं अपने व्यूज को बता दूं कि ये देखिए इस तरह बनती है। ये मैं तेल डाला इसमें, ये मैं इसके बारे में सच बता दूं, ये जो भिंडी है ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ये आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये बड़ी करारी भिंडी बनती है, बिल्कुल कड़क मैं भिंडी बना रही हूँ। और इसमें सिवाय नमक मिर्ची हल्दी के अलावा और सिर्फ थोड़ा सा लहसुन और अदरक जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। घर के मसाले, घर की चीजें, बेहतरीन चीज बनेगी ये। काशिफ ये देखो, मैं इसमें सिर्फ लहसुन थोड़ा सा जाएगा, आधी चम्मच हो गया, इसके अंदर मैं भिंडी डाल दूँ, कुछ भी नहीं करता। ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ इसमें, ये थोड़ी सी हरी मिर्ची है, इसको मैं ऐसे दो हिस्से में कर लेती हूँ। थोड़ी सी थोड़ी बड़ी होती है साइज की, लेकिन ये है छोटी, लेकिन अच्छी है, अच्छी लगती है इसके साथ ना। अच्छा ये अभी मैं इसके अंदर ये डालने लगी हूँ, सही है? ये देखो ये दिखा दो हरी मिर्ची। क्या हुआ, थक गई इतनी जल्दी? हाँ अब जाहिर टाइम लगेगा ना उसमें, भिंडी में फ्राई करूंगी, अब थोड़ा जब थक जाती है फिर बैठ जाती है, क्या करूँ। देखो जरा ये दिखाओ, ऐसे हो गई ये फ्राई, देखा ये बिल्कुल सुपड़ जाएगी। भिंडी का जो है ना सा निकल जाएगा,
ये सुकड़ेगी जितनी सुकड़ेगी इतनी अच्छी होगी। अब समझे बात, अब देखना जरा कैसी बनेगी। अब इसके अंदर जो है ना, मैंने जो पहले बताया था ना, सिवाय इसके अंदर सिवाय ये तीन चीजों के कुछ नमक मिर्ची और हल्दी, बस यही मैं तीनों चीजें एक साथ साथ ही डालूंगी। ये चलो जी, आहा अब देखो ये इसको ऐसे बनेगी, कड़क कड़क मजेदार भिंडी। आहा क्या ही बात है, ये बनती है इसके साथ ना, शायद लोग पता होगा, खैर बनाते होंगे लोग, हम लोग जो बनाते हैं ना इसके साथ में चावल बनाती हूँ, तड़के वाले साथ में चावल बनाती हूँ और बहुत बेहतरीन लगते हैं उसके साथ। अभी मैं वो भी बना के दिखाऊंगी। सही है, ये माशाल्लाह से बिल्कुल कड़क हो गई है अब तो, ये बिल्कुल बन गई है। ये ऐसे इसका ये वाला ऐसे आएगी, ये देखो ऐसे बिल्कुल ये कड़क है, ये मैं निकालूंगी ना। माशाल्लाह माशाल्लाह बन गई भाई, कड़क हो जाएगी। और मेरी बात सुनो, ये जो तेल है ये बाद में, ये मैंने तेल निकाल लेना है और फिर जो है ना, मतलब दूसरी जो मैंने सालन अभी बनाने लगी हूँ, और चिकन और पालक का भी सालन बना रही हूँ, उसमें मैं ये डाल दूंगी क्योंकि मैं जाया नहीं करती। और ये अब मैं निकाल लूंगी, ये बस बन गई, ये तेल निकाल के इसको मैं अलग करने लगी हूँ। ठीक है बेटा, मैंने ऐसे ऑयल निकाली है और ये अभी मैं जो दूसरा सालन बनाऊंगी ये उसमें यूज हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें जरा, ये मेरी जो है माशाल्लाह से, ये देखें ये ऐसे बन गई है, देख रहे हैं आप, ये देखें। मैं ये अलग से निकाल लूंगी इसको, ये देखें सारे सालन से बड़ी मजेदार लगती है। अब मैं बना रही हूँ चिकन और पालक। बहुत ज्यादा लोग बीफ और वो बनाते हैं, खास करके बीफ और पालक सॉरी वो बनाते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर बनाती हूँ चिकन और पालक। और क्योंकि चिकन और पालक बड़ी टेस्टी बनती है, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, अब ये मैं बनाने लगी हूँ। ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें मैं घर के मसाले डालती हूँ और बहुत शानदार बनता है। ये तेल मैंने डाला है एक कप, ये ऐसे मैंने लहसुन अदरक एक चम्मच। ये चिकन डालने लगी, ये तीन पाव चिकन है, ये तीन पाव है। कितना चिकन है ये? तीन पाव, तीन पाव। कितना चिकन है? तीन पाव। कितना चिकन डाला आपने? तीन पाव, एक दो और तीन। इसको क्या करना है, फ्राई? इसको मैं गोल्डन करूंगी, इसको बिल्कुल गोल्डन, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सारी चीजें डालूंगी, फिर बताऊंगी मैं इसके अंदर क्या क्या डालती हूँ। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा इसको गोल्डन हो गया, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बस इतना ही हमें चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं ये डालूंगी इसके अंदर, ये टमाटर मैंने डाले हैं तीन अदद टमाटर है दरमियाने साइज के। ठीक है, अब ये जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी, थोड़ा सा ये भून जाए ना इसके अंदर टमाटर थोड़े से, फिर साथ में मैं ये मसाले डालूँ। मसाले में बताना चाह रही हूँ बेटे, ये मैंने डाले हैं दो चम्मच लाल मिर्ची, ये है धनिया पीसा हुआ एक चम्मच, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, आधा चम्मच ही तकरीबन मैंने ये डाला है जीरा, और आधा चम्मच मैंने डाला है पीसा हुआ गर्म मसाला। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अभी ये दिखा दे, मैं साथ ही ये डालूंगी सिर्फ जीरा, ये जाएगा इसके अंदर, जीरे के अंदर और टमाटर के अंदर मैं इसको बनाऊंगी। सही है, अच्छे से पकाऊंगी इसको, ये टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा थोड़ा। ये अब मैं इसके अंदर ये डालने लगी है, थोड़ी सी हरी मिर्ची है मेरे पास, ये वाली तकरीबन 8-10 है, ये डाल दूंगी इसमें। और इसके अंदर जो है ना, इसको अब ये दिखा दो जरा बेटे, ये देखो ऐसे हो गया ये। अब इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी जो मैंने आपको बताए थे, ये सारे मसाले मैं एक साथ ही डालूंगी, जितने मसाले मैंने आपको बताए ये साथ ही डालूंगी। ये आसानी से बनती है और ये झटपट बनती है, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, ये कम से कम भी आधा घंटा लगता है, आधे घंटे के अंदर ये रेसिपी तैयार होती है, ये चिकन और पालक की, और बेहतरीन बनती है ये, आप भी ट्राई करना, बना के बताना मुझे। 5 मिनट इसको मैं और ज़रा इसको थोड़ा सा भूनूंगी। ठीक है, इसका ये ऑयल बिल्कुल बाहर निकल आया है, और इसके बाद मैं फिर पालक डालूंगी। ठीक है, ये दिखा दो, ये देखो ऐसे कलर आ गई, ये बिल्कुल अभी तैयार है खाना। अब मेरे पास पालक है, ये वाली पालक, अब मैं ये पालक इसके अंदर डाल दूंगी, धो के मैंने रखी हुई थी पालक। कितनी पालक है ये? ये कम से कम 3 पाव के करीब पालक है। 3 पाव? हाँ 3 पाव। बॉईल नहीं करेंगे आप इसको? नहीं, मैं बॉईल नहीं करती हूँ, बाद लोग कहते हैं बॉईल करते हैं, मेरी माँ ने हमेशा मुझे कहा था कि बेटा ये पालक जो है ना बॉईल नहीं करती, पानी निकल जाता तो वो फिर उसका वो टेस्ट नहीं रहता, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे जैसे ये देख रहे हैं इसी तरह ही बनाती हूँ। ये दिखा दो,
ऐसी मसाले के अंदर, इसी के अंदर ये पकेगी। इसका अपना पानी होता है पालक का, इसी पालक के अंदर ही ये पकेगी, इसी मसाले के अंदर ही ये बन जाएगी। जब ये बन जाएगी तो फिर मैं इसकी शक्ल बताऊंगी ये कैसे बनती है, ठीक है। अब इसकी शक्ल दिखाओ कि ये ऐसे हो गई है पालक, ये पालक का सारा पानी है, इसमें मैंने पानी एक कतरा भी नहीं डाला। ये पालक इस तरह हो गई है, ये तीन पाव पालक है और तीन पाव ही चिकन है। तो इसी के पानी में पकेगा ये? ये इसी के पानी में ही पकेगा। और इसका मैं अभी थोड़ा सा ये है कि जैसे सारा खुश्क होता है तो फिर मैं इसको दम दे दूंगी, ये 10-15 मिनट दम पे पड़ा रहेगा, इसका ऑयल निकल आएगा, ये बेहतरीन बन जाएगा। जैसे तैयार होगा फिर मैं दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है, वो पंखा का है जो मैंने आपको लाके दिया था, पंखा वो चार्ज हो रहा है। और अब ये मैं चावल बनाने लगी हूँ, दिखा दो, ये तड़के वाले चावल बना रही हूँ। इसमें आधा कप बस ये ऐसे ये जीरा डाल के मैं बड़े अच्छे ये चावल बना। आधा कप क्या है ऐसे? ऑयल, ऑयल आधा कप ऑयल और पाई की होगी है। आधा कप ऑयल और प्याज आपने एक दरमियानी साइज का काट के डाला, दाल का प्याज डाल के इसके अंदर डाल। ना चार गिलास ये पानी के डालूंगी, दो गिलास चावलों के थे, ठीक है, और उसमें डालती हूँ, आधा घंटा भिगो के रखे थे बस, ये चार गिलास चावल में डाल के, तो फिर जैसे उबाल आएगा तो उसके अंदर फिर मैं वो चावल डाल के बना दूंगी। अब ये मैं चावल डालने लगी हूँ इसके अंदर, ये देखो पानी में बाहर आ गए, अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। हाँ अब ये देखना, मैं तो भाई ऐसे पेंडू तरीके से ऐसे चेक करती हूँ, ऐसे लेती हूँ प्लेट में और ऐसे चखती हूँ ऐसे करके। बेहतरीन, नमक सही है नमक कैसी है ये है, इसमें थोड़े से बबल आने लग जाएंगे इसमें, ठीक है, या बना रही हूँ, जैसे ये बबल आएंगे इसमें मैं दम दे दूंगी, ठीक है। हमारा दूसरा भी खाना वो भी इंशाल्लाह रेडी होने वाला है बिल्कुल, और ये भी हो जाएगा कुछ, जैसे दम आएगा मैं बताती हूँ, ठीक है। हाँ देखे ये इस तरह माशाल्लाह ये चावल बन गए, देखे बिल्कुल खिले खिले से, ये देखिए ऑयल ऐसे निकल आया, ये ऐसे, ये देखे बड़ा बस, अब भूख लग रही है बहुत ज्यादा, लगाते हैं खाते हैं। अच्छा बन गया, और अभी लगाते हैं दस्तरखान और खाना खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अम्मी जान आज तो आपके हाथ चूमने का दिल चाह रहा है। देख ले माशाल्लाह, ये देखिए ये चावल भी कैसे मजेदार माशाल्लाह बन गए, बिल्कुल एक एक चावल है, ये देखो ऐसे ये चावल निकालें, ऐसे चावल पड़े जी। आपका जाहिर से पता है एक्सपीरियंस है अम्मी जी, बेहतरीन चीजें बनाती हैं आप माशाल्लाह से। और ये देखे रचकर पालक, देखे कितना शानदार बना हुआ है, ये बहुत मजेदार बनता है। और साथ में ये मेरी भिंडी भी दिखा, भिंडी भी आपकी वी आई पी, ठीक है माशाल्लाह खुश। अभी ये हम खाएंगे पहले तो हम करेंगे, उसके बाद फिर हमारी ऑडियंस भी इंशाल्लाह बनाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे और हमारी ये ट्राइयां करते रहे, हमारी ये दुआएं करते रहे। सफर का फल जो है ना वो मीठा होता है, अच्छा है। अभी हम लोग ये खाएंगे, बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत अच्छा होगा। जरा दिखाएं अपने हाथों से, खिलाए अम्मा, चूमने का दिल चाह रहा है। बिस्मिल्लाह। बेहतरीन अम्मी जी, बहुत ही टेस्टी, कितना सिंपल तरीके से बनाया लेकिन बहुत ही बेहतरीन बनाया। आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ये बन जाता है और आसानी से बन जाता है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, तब तक हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अम्मी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।